हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। तो गाइस, आज अपन का नया टॉपिक स्टार्ट होगा। आज अपना गाइस नया टॉपिक स्टार्ट होगा मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक। तो आज अपन खाद और उर्वरक के बारे में जानेंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो गाइस, वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज अपन जानेंगे मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। तो अपन पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक, इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे वो आज अपन देखेंगे। तो इसके अंदर अपन पहला पढ़ेंगे मैन्योर। मैन्योर के बाद में पढ़ेंगे गाइस अपन कंपोस्ट। कंपोस्ट के बाद में पढ़ेंगे गाइस फर्टिलाइजर। और गाइस फर्टिलाइजर के बाद में पढ़ेंगे अपन बायो फर्टिलाइजर, जो अपन ने अलग से टॉपिक पढ़ा था, थोड़ा बहुत बताएंगे इसके बारे में। वैसे अपन ने टॉपिक के अंदर कंप्लीट कर लिया है गाइस। इसके बाद आता है गाइस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और उसके बाद पढ़ेंगे गाइस इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो गाइस, पहले अपन को पता होना चाहिए मैन्यूर क्या है, कंपोस्ट क्या है, फर्टिलाइजर क्या है। तो इनके बारे में गाइस अपन को पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है जिनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो पहले अपन के बारे में इनको इनके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो गाइस, जो भी मैन्यूर है, मैन्यूर के अंदर गाइस आता है गॉट मैन्यूर, और शीप मैन्यूर, भेड़ बकरियों से जो भी खाद प्राप्त होती है गैस उसे बोलते हैं अपन मैन्यूर, खाद को बोला जाता है गैस। खाद और उर्वरक पढ़ेंगे। तो गैस मैन्यूर के अंदर गॉट और सिप मैन्यूर पढ़ेंगे अपन। अब गैस कंपोस्ट, कंपोस्ट के अंदर क्या आता है गैस, कंपोस्ट के अंदर जो अपन किचन है, किचन में जो भी फ्रूट, फ्रूट और जो अपन वेजिटेबल सब्जियां, जो भी अपन फ्रूट वेजिटेबल सब्जियों का कचरा जो होता है, कचरे को गाइस सड़ा गला कर उनसे तैयार की जाती है उसे बोलते हैं गाइस कंपोस्ट। कंपोस्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे फ्रूट वेजिटेबल, जो भी सब्जियों का बचा हुआ पार्ट है, फलों का बचा हुआ पार्ट है, छिलका है, जो भी है, उनको उच्च तापमान उच्च नमी पर जो भी अपन गला सड़ा गला के उनके खाद तैयार की जाती है उसे बोलते हैं गाइस कंपोस्ट। तो ये होती है कंपोस्ट। और फर्टिलाइजर में गाइस, फर्टिलाइजर में जो भी है अपने, जैसे फर्टिलाइजर है MOP SOP DAP यूरिया, यूरिया यहां नहीं आएगा, MOP SOP DAP SSP। तो भाई जितने भी फर्टिलाइजर है इनको अपन फर्टिलाइजर के अंदर पढ़ेंगे। अब भाई बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर में नाम को बताया था, बायो फर्टिलाइजर एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम। तो भाई इसके अंदर जो भी आता है राइजोबियम, तो गाइस राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो गाइस राइजोबियम दलहनी फसलों फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो इसकी मात्रा को बढ़ा के, मात्रा अधिक करके कट्टों में पैक किया जाता है।
वैसे तो गाइस अपन ना अलग से पढ़ लिया बायो फर्टिलाइजर अपन पढ़ चुके हैं, अपना लेसन कंप्लीट हो चुका है। एक बार जाके वीडियो पे जाके आप देखना, बायो फर्टिलाइजर अपना कंप्लीट है, लेकिन इनकी मात्रा को बढ़ाकर कट्टों में पैक करना। बायो फर्टिलाइजर वो होते हैं बायो फर्टिलाइजोबियम, जो भी अपन लेते हैं बाजार से राइजोबियम का पैकेट है उसके अंदर क्या मिलता है, राइजोबियम की मात्रा को अधिक बढ़ा के उसको पैक कर दिया जाता है, उसी बोलते हैं गाइस बायो फर्टिलाइजर। अब गाइस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर गाइस आपकी मैन्यूर और कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर गाइस मैन्यूर और कंपोस्ट आती, खाद और उर्वरक दोनों ही, खाद और कंपोस्ट दोनों ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर आती है। और गाइस सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है, यूरिया एक फर्टिलाइजर भी है, यूरिया एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी है। मतलब यूरिया अकार्बनिक भी है और कार्बनिक भी है। अब वो है कैसे, तो गाइस जो मनुष्य के पेशाब के अंदर, पेशाब जो होता है, पेशाब पेशाब में पाया जाना, पेशाब में यूरिया का पाया जाना पेशाब में अगर यूरिया पाया जाता है तो गाइस वो होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर आता है। पेशाब के अंदर यूरिया अगर पा रहा है तो भाई गाइस वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर पाया जाएगा। और जो अपन खेतों में यूज करते हैं कट्टों में पैक यूरिया, कट्टों में पैक किए जाने वाले यूरिया वो गाइस होता है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, इनके बारे में अपन जानेंगे ब्योरा से, लेकिन अपने को ये चीज पता होनी चाहिए कि अपन बायो फर्टिलाइजर के अंदर क्या पढ़ेंगे। अब गाइस जो है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जो है इसकी शुरुआत गाइस, फर्टिलाइजर की गाइस शुरुआत हुई थी 1965 के अंदर। 1965 में क्या हुआ था गाइस, 1965 में गाइस ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। जिसे अपन हरित क्रांति बोलती है, हरित क्रांति आई थी 1965 के अंदर। तो 1965 में क्या किया गया था, 1965 के अंदर गेहूं में चावल में यूरिया और जो भी कंटेंट है फर्टिलाइजर है एमओपी एसओपी इनका अधिक मात्रा में उपयोग किया गया, क्योंकि उस समय क्या थोड़ी गेहूं और चावल की शॉर्टेज ही थी। तो भारत के अंदर इसकी शुरुआत हुई फर्टिलाइजर की गाइस 1965 के अंदर। 1965 में क्या हुआ था, 1965 में गाइस ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति में क्या किया गया गाइस, चावल और गेहूं के अंदर अधिक उर्वरकों का उपयोग किया गया जिसके कारण उनकी उपज में वृद्धि की गई। तो गाइस ग्रीन रेगुलेशन आया, ग्रीन रेगुलेशन के जनक है गाइस एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक है गाइस एम एस स्वामीनाथन। तो ग्रीन रेगुलेशन के समय चावल गेहूं पे चावल फसलों की उपज में वृद्धि की गई गाइस। तो गाइस ये है अपने बेसिक है, अपना बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। मैन्यूर के अंदर गॉट मैन्यूर, शिप मैन्यूर आते हैं, कंपोस्ट के अंदर अपन किचन फ्रूट वेजिटेबल जो भी सब्जी है या फल जो भी है उनके छिलके हैं या उनसे बचा हुआ जो भी पार्ट है उसको उचित नमी उचित ताप पर सड़ा गड़ा के खाद तैयार की जाती है, उसे गाइस कंपोस्ट बोलते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है गाइस वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ये भी गाइस अपन पढ़ेंगे। वर्मी कंपोस्ट क्या है सब अपन ब्योरा से पढ़ेंगे, लेकिन अपन बेसिक कंप्लीट होना चाहिए कि लेसन के अंदर अपन को क्या क्या चीज पढ़नी है। तो गाइस लेसन के अंदर अपन को ये चीज पढ़नी है। तो गाइस आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर से आगे चलेंगे, जो भी चीज है आप नोट कर लो, अपन को इसके बारे में पढ़ने। अब गाइस थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, इससे आगे गाइस अपन पढ़ेंगे एफबीएम, और गाइस इसके अंदर एफबीएम के अलावा और पढ़ेंगे अपन।
गॉट एंड शिप मैन्यूर, गॉट एंड शिप मैन्यूर के बाद में गाइस अपन पढ़ेंगे इससे आगे पॉलिटी मैन्यूर, और गाइस पॉलिटी मैन्यूर के बाद में पढ़ेंगे गाइस अपन ग्रीन मैन्यूर। तो गाइस ये टॉपिक अपन इसमें पढ़ेंगे मैन्यूर के अंदर, मैन्यूर के अंदर अपन पढ़ेंगे खाद। FIM क्या होती है गाइस? FIM जो होती है वो सड़ी हुई गोबर की खाद को बोला जाता है FIM। तो गाइस FIM के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, FIM क्या है, सड़ी हुई गोबर की खाद है, सड़ी हुई गोबर की खाद है, सर्वाधिक इसका उपयोग किया जाता है भारत के अंदर। और गाइस गोट एंड शिप मैन्यूर का उपयोग सर्वाधिक भारत के अंदर, भारत में सर्वाधिक राजस्थान में किया जाता है, क्योंकि भारत के अंदर सर्वाधिक राजस्थान के अंदर बकरी और भेड़ पाई जाती हैं, इसके कारण राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में बकरियां पाई जाती हैं। तो गाइस इसका उपयोग सर्वाधिक भारत के अंदर किया जाता है। पोल्ट्री मैन्यूर क्या है गाइस? मुर्गियों से बनी खाद, मुर्गियों की खाद को अपन पोल्ट्री मैन्यूर बोला जाता है। और गाइस इसमें सर्वाधिक न्यूट्रिएंट होते हैं, सर्वाधिक न्यूट्रिएंट होते हैं मुर्गियों से बनी हुई खाद को पोल्ट्री मैन्यूर कहा जाता है। और गाइस इसका मृदा में जो असर रहता है ना, सर्वाधिक न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, तो अपन फिर FIM को क्यों उपयोग करते हैं मृदा के अंदर, इसका ही उपयोग करना चाहिए। तो गाइस इसकी जो भी सॉलिडिटीज है, इसका जो भी स्थिरीकरण है वो कम समय के लिए होता है। तो गाइस इसका मृदा में असर रहता है 2 मंथ के लिए, 2 महीने तक ही गाइस इस खाद का असर रहता है। और गाइस FIM का असर रहता है गाइस 12 मंथ के लिए मृदा में। तो गाइस ये चीज ध्यान रखनी, 12 मंथ के लिए FIM का असर रहता है गाइस मृदा में, और इसका असर रहता है गाइस 2 मंथ के लिए। तो गाइस इसलिए अपन इसको उपयोग नहीं करके FIM को उपयोग अधिक करते हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में FIM को उपयोग किया जाता है। यही कारण है भारत में राजस्थान गॉट एंड शिप मैन्यूर का उपयोग सर्वाधिक राजस्थान के अंदर किया जाता है, और मुर्गियों से बनी हुई खाद को गॉट पॉलिटी मैन्यूर कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक न्यूट्रिएंट होते हैं और इसके मृदा में 2 महीने तक यह असर रहता है। अगला आता है गाइस ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर के लिए गाइस अपन फसल बोते हैं ग्रीन मैन्यूर, वैसे देखा जाए 2 प्रकार का होता है, इनसीटू और एक्ससीटू, और एक्ससीटू। तो गाइस इनसीटू एक्ससीटू क्या होता है ये अपन ब्योरा से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपके लिए बता दूं, इनसीटू होता है उसी खेत में बो के उसी खेत में मिक्स करने की क्रिया, जैसे अपन ने ढेंचा और सनई को, इसके अंदर गाइस एग्जांपल आते हैं ढेंचा सनई ग्वार। इनसीटू क्या है गाइस? उसी खेत में बोकर उसी खेत में एमपी प्लाव की सहायता से उसको मिक्स करना हरी खाद कहलाती है, जो कि इनसीटू होती है। और गाइस एक्ससीटू क्या होता है? बाहर से लाई गई हरी खाद, जैसे नीम या सुबबुल की पत्तियां, नीम है, करंज की पत्तियां, इनको दूसरी जगह से लाके दूसरे खेत में डालना, ये कहलाता है गाइस एक्ससीटू। तो एग्जांपल है इसमें नीम, सुबबुल और गाइस करंज। तो गाइस ये इसके एग्जांपल है। अब अपन पढ़ते हैं मैन्यूर क्या चीज है, खाद क्या होती है। तो गाइस अब अपन लेसन स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बेसिक जानकारी थी, बेसिक जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए गाइस, क्योंकि बेसिक जानकारी बहुत काम आती है। तो गाइस इसलिए मैंने आपको बताया था। अब आप पढ़ते हैं मैन्यूर, मैन्यूर है क्या, मैन्यूर के बारे में जानेंगे, किससे बना है, कैसा शब्द है मैन्यूर, क्या नहीं है, वो सब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस अगला आता है अपना मैन्यूर। तो गाइस बता दूं, खाद खाद संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से लिया गया है। मैन्यूर जो है वो गाइस संस्कृत भाषा का वर्ड एक है खाद्य, जिसका मतलब होता भोजन। तो खाद्य शब्द से लिया गया है, जिसका उपयोग अपन
खाद कार्बनिक पदार्थ होता है जिसको उपयोग अपन खाद के रूप में करते हैं। तो गाइस इसमें पहला पॉइंट लिख लो आप सीधा सीधा, खाद संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से बना है तथा इसका मतलब भोजन होता है। तो गाइस खाद्य जो है खाद वो संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से बना है जिसका मतलब भोजन होता है। और गाइस इसके अंदर दूसरा पॉइंट लिखो, खाद कार्बनिक पदार्थ है जिसका उपयोग मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में किया जाता है। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए, खाद्य संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है भोजन, और खाद्य कार्बनिक पदार्थ है जो कि मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में किया जाता है। और अपन खाद्य की एक डेफिनेशन देख लेते हैं, इधर अपना हो गया कचरा, कार्बनिक पदार्थ कचरा कार्बनिक पदार्थ, और जो भी अपना पशुओं का जो भी मलमूत्र है पशुओं का मल, तो गाइस इसको उचित तापमान तथा नमी पर उचित तापमान तथा नमी में रखा जाता है, इससे प्राप्त गाइस खाद होती है। तो खाद की डेफिनेशन है, खाद के अंदर फसलों के सह उत्पाद गोबर मूत्र तना पत्तियां आदि को उचित तापमान तथा नमी पर अपघटन किया जाता है। उचित तापमान तथा नमी पर अपघटन किया जाता है तो उससे प्राप्त खाद, उससे बने खाद को, उससे बने पदार्थ को खाद कहा जाता है। तो उचित नमी पर इनका अपघटन करते हैं गाइस, तो जो भी इससे बनेगा उसे खाद के। तो गाइस इसकी डेफिनेशन लिख लो, फसलों के सह उत्पाद कचरा पत्तियां तना आदि को उचित नमी नमी तथा ताप पर अपघटन किया जाता है। उससे बना पदार्थ खाद कहलाता है। तो गाइस ये है खाद की डेफिनेशन, खाद है क्या चीज। तो गाइस ये खाद की डेफिनेशन है, फसलों के सह उत्पाद कचरा पत्तियां तना फूल जो भी है उनको उचित ताप तथा उचित नमी पर अपघटन किया जाता है तथा उससे बना पदार्थ खाद कहलाता है। अगला आता है गाइस खाद के प्रकार, खाद कितनी प्रकार की होती है। तो गाइस सुन लो, खाद दो प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ मेन्यू खाद के प्रकार, खाद दो प्रकार की होती है गाइस। पहली होती है सांद्रित खाद, दूसरी होती है असांद्रित खाद। तो गाइस खाद दो प्रकार की होती है, खाद दो प्रकार की होती है गाइस, पहली होती है सांद्रित दूसरी होती है स्थूल। तो गाइस खाद टाइप्स ऑफ मेन्यू
खाद के प्रकार तो इसके अंदर लिख लो गाइस, खाद मुक्त दो प्रकार की होती है, इधर लिख लो गाइस, पहली स्थूल और दूसरी है गाइस सांद्रित। तो गाइस इन दोनों की अपन तुलना कर लेते हैं, तो इन दोनों की अपन बात करें तो स्थूल खाद है गाइस, स्थूल खाद के अंदर सर्वाधिक मात्रा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है, सांद्रित खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। स्थूल खाद के अंदर गाइस सांद्रित पदार्थ कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसके अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। इसके अंदर स्थूल खाद के अंदर गाइस पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है, इसके अंदर गाइस पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो इनके बारे में गाइस हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। इस खाद के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है, और इसमें गाइस कम पाई जाती है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम। और गाइस इसके अंदर दूसरा पॉइंट है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है। और गाइस इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो गाइस इसके एग्जांपल हैं FYM, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, और इसमें है गाइस हड्डी चूरा, रक्त खाद और खलियां। तो गाइस ये इसके एग्जांपल है, FYM में वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, और इसके अंदर गाइस कंपोस्ट भी आती है। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और FYM ये है गाइस स्थूल खाद, और हड्डी चूरा, रक्त खाद और खलियां इसके अंदर आती है गाइस सांद्रित खाद के अंदर। ठीक गाइस, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ये चीज अपन ने यही कवर कर ली, यही पे अपने दोनों की तुलना कर ली, क्या होता है क्या नहीं होता। तो गाइस ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, स्थूल खाद क्या है, इनके अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, सांद्रित खादों के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। स्थूल खाद जो है वो है FYM, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट और हरी खाद, और जो भी सांद्रित खाद है वो है गाइस खलियां, खली मूंगफली की हो, सरसों की हो, कोई भी खलिया जितनी भी है, हड्डी चूरा और रक्त चूरा। तो गाइस ये है स्थूल खाद। अपन बढ़ते हैं गाइस FYM के बारे में। FYM के बारे में क्या है, FYM है क्या, FYM की फुल फॉर्म है फार्मयार्ड मैन्यूर सड़ी हुई गोबर की खाद, जिसे अपन बोलते हैं। तो गाइज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और गाइज मैं आपको बता दूं इसका कोई शुल्क नहीं है, तो गाइज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिसको गाइज इस वीडियो की जरूरत है उस तक जरूर पहुंचाएं। गाइज एक बार प्लीज हमारे लिए एक बार शेयर जरूर करें, जिसको इसकी जरूरत है गाइज उसको जरूर पहुंचाए, पढ़ने का जो हुनर रखते हैं उनके लिए जरूर पहुंचाए। तो गाइज रिक्वेस्ट मान लो,
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगला आता गाइस एफ बाई एम फार्म यार मैन्यूर। सड़ी हुई गोबर की खाद। इसे हिंदी में बोलते हैं सड़ी हुई गोबर की खाद एफ बाई एम। तो एफ बाई एम के अंदर क्या है गाइस, एफ बाई एम है क्या, तो यह है गोबर से। तो पहला पॉइंट लिख लो गाइस, जो भी एफ बाई एम के बारे में बता दो, एफ बाई एम की खोज गाइस एक खोज करता है सी एन आचार्य नामक वैज्ञानिक ने एफ बाई एम की खोज की थी। और इसके अंदर क्या है गाइस, गोबर को गोबर गोबर से प्राप्त विधि है, गोबर से तैयार की गई है, गोबर को सड़ा के तैयार किया जाता है। तो गोबर को सड़ाने की क्रिया होती है गाइस ट्रेंच विधि, जिसे अपन बोलते हैं प्रक्रिया द्वारा ट्रेंच विधि या खाई विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको तैयार करने की गाइस सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है ट्रेंच या खाई विधि। तो गाइस ये भी है, और उसकी सी एन आचार्य नामक इसको खोज करता है। तो गाइस एफ बाई एम का सी एन अनुपात है 20-30 अनुपात, एफ बाई एम का सी एन अनुपात है। एफ बाई एम के अंदर ना एन पी की मात्रा, एन होता है 0.5, पी होता है 0.25, के होता है 0.5। तो गाइस अपन पहला पॉइंट लिखते हैं, यह सबसे उपयुक्त खाद मानी जाती है। इसकी बनाने की सबसे उपयुक्त विधि ट्रेंच या खाई विधि। इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है ठीक है गाइस, इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, इसे बनाने की सबसे उपयुक्त विधि ट्रेंच खाई विधि इसकी सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। और गाइस इसका चौथा पॉइंट आता है, इसके खोजकर्ता वो है गाइस सी एन आचार्य। ये चीज गाइस ध्यान रखनी है आपको कि एफ बाई एम का खोजकर्ता कौन है, तो वो है गाइस सी एन आचार्य। और गाइस इसके अंदर जो खाई होती है, तो खाई की गहराई रखी जाती है गाइस, खाई की गहराई वो रखी जाती है गाइस 1 मीटर ठीक है गाइस। इसके अंदर खाई की गहराई 1 मीटर रखी जाती है, 1 मीटर की एक नाली बनाई जाती है जिसके अंदर अपन गोबर को पटकते रहते हैं और उसको उचित नमी तथा उचित ताप पर उसको गलाया जाता है। तो इसकी गहराई है। और गाइस इसके पॉइंट आगे आते हैं, अपन डबल स्टार करके लिखेंगे सभी पॉइंट है इसके अंदर। एफ आई एम का सी एन अनुपात, तो गाइस एफ आई एम का सी एन अनुपात होता है 20-30 अनुपात 1। और गाइस बिना सड़ी हुई गोबर की खाद का एफ आई एम को बोलते हैं गाइस सड़ी हुई गोबर खाद। तो ये चीज ध्यान रखना, बिना सड़ी गोबर की खाद का सीएन अनुपात 100:1 ठीक है गाइस। ये चीज ध्यान रखना, बिना सड़ी हुई गोबर खाद का अनुपात कितना होता है, सड़ी हुई गोबर की खाद का अनुपात कितना होता है, तो गाइस वो होता है बिना सड़ी हुई का तो होता है 100:1। और सड़ी हुई गोबर की खाद जैसा अपन एफ आई एम बोलते हैं, तो एफ आई एम का सीएन अनुपात होता है 20-30:1। ये चीज गाइस ध्यान रखनी है। अब गाइस एफ आई एम में एनपीके की मात्रा,
तो गाइस FIM में NPK की मात्रा होती है गाइस FIM में N नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.5%, फास्फोरस की मात्रा होती है 0.25% और गाइस पोटेशियम की मात्रा होती है 0.5%। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है FIM के अंदर कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत फास्फोरस पाए जाते हैं और कितने प्रतिशत पोटेशियम पाए जाते हैं। तो गाइस FIM के अंदर 0.5% तो नाइट्रोजन पाई जाती है, 0.25% फास्फोरस पाई जाती है और 0.5% पोटेशियम पाई जाती है। तो गाइस ये हो गया FIM। FIM के बारे में, FIM है क्या? FIM है सड़ी हुई गोबर की खाद, इससे सबसे उपयुक्त विधि माना जाता है, सर्वाधिक इसका उपयोग किया जाता है। इस विधि के अंदर, इस विधि को बनाने की सबसे उपयुक्त विधि है ट्रेंच या खाई विधि। इस विधि के खोजकर्ता है CN आचार्य और इस विधि में खाई की गहराई रखी जाती है 1 मीटर। इस विधि का FIM का CN अनुपात होता है 20 से 30:1। बिना सड़ी हुई गोबर की खाद का CN अनुपात होता है 100:1 और FIM में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.5%, फॉस्फोरस की होती है 0.25%, पोटेशियम की होती है 0.5%। ये तो हो गया गाइस FIM के पॉइंट। अब लिखते हैं अपन FIM बनाते समय नाइट्रोजन का नुकसान किन किन द्वारा होता है। तो गाइस वो भी इम्पोर्टेंट है, FIM बनाते समय नाइट्रोजन का नुकसान देख लेते हैं। तो FIM बनाते समय गाइस नाइट्रोजन का नुकसान वोल्टिनाइजेशन और डिनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग द्वारा, तीनों विधियों द्वारा नाइट्रोजन का नुकसान होता है। तो गाइस देखते हैं कौन सी विधि में किसके द्वारा होता है नाइट्रोजन का नुकसान। तो FIM से नाइट्रोजन का नुकसान, FIM के समय नाइट्रोजन का नुकसान, FIM बनाते समय तो गाइस FIM बनाते समय नाइट्रोजन का नुकसान किन किन विधियों द्वारा होता है। तो गाइस पहला आता है वोल्टिलाइजेशन, पहला गाइस वोल्टिलाइजेशन आता है, दूसरा आता है गाइस डिनाइट्रिफिकेशन, और तीसरा आता है गाइस लीचिंग। तो गाइस इन द्वारा नाइट्रोजन को नुकसान होता है। तो वोल्टिनाइजेशन में गाइस क्या होता है, वोल्टिनाइजेशन में होता है इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन का नुकसान N2O गैस के रूप में। वोल्टिनाइजेशन में गाइस नाइट्रोजन का नुकसान होता हुआ NH3 अमोनिया के रूप में होता है, अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन का नुकसान होता है। इसके लिए उपयुक्त दशा क्या होती है गाइस, इसके लिए अधिक तापमान और अधिक पीएच माना जाता है इसकी उपयुक्त है। तो इसके लिए अधिक तापमान होना चाहिए, अधिक पीएच होना चाहिए, उपयुक्त दशा ये है गाइस, इसकी उपयुक्त वातावरण होना चाहिए इसके लिए। तो गाइस ये चीज अपन देख लेते हैं। तो वोल्टिलाइजेशन में गाइस क्या लिखेंगे, इसमें नाइट्रोजन का नुकसान NH4 अमोनिया के रूप में होता है। और गाइस इसके लिए उपयुक्त वातावरण, अधिक ताप तथा पीएच माना जाता है। वोल्टिनाइजेशन के लिए गाइस उपयुक्त वातावरण, अधिक ताप तथा अधिक पीएच माना जाता है। और गाइस अगला आता है डिनाइट्रिफिकेशन, इसमें नाइट्रोजन का नुकसान NO2 गैस NO2 गैस के रूप में होता है। तो गाइस ये चीज तो मैंने आपको बता दी थी, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। नाइट्रोजन स्थिर करते समय नाइट्रोजन का नुकसान मैंने आपको बताया था सर्वाधिक मात्रा नाइट्रिफिकेशन द्वारा होता है। उसके अलावा धान के अंदर सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान N2O गैस के रूप में होता है डिनाइट्रिफिकेशन, इसके लिए उपयुक्त दशा होती है गाइस FIVA। और गाइस
इसके लिए एक पॉइंट और है, इसका नुकसान, इससे सर्वाधिक धान की फसल में नुकसान होता है। इससे सर्वाधिक धान की फसल के अंदर नुकसान होता है। तो गाइस लीचिंग क्या है? नाइट्रोजन अधिक चालक होने के कारण इसका नुकसान लीचिंग द्वारा होता है। वो कैसे होता है गाइस? नाइट्रोजन अधिक चालक होने के कारण इसका नुकसान लीचिंग द्वारा कैसे होता है? तो गाइस नाइट्रोजन अधिक चालक है, जब सन पड़ता है, सूर्य की किरण जब धरती पर पड़ती है, खेत के अंदर पड़ती है, तो गाइस नाइट्रोजन अधिक चालक है, तो उसके कारण वो क्या है, मृदा के अंदर संपूर्ण मात्रा में नहीं घुल पाते हैं और पौधे इनको अधिक रूप में ग्रहण नहीं करते हैं अधिक चालक होने के कारण। तो इस वजह से गाइस इसका नुकसान लीचिंग द्वारा होता है। तो इसके लिए, इसका नुकसान बचाने के लिए अपन ने एक विधि भी बताई थी लीचिंग को कैसे रोका जा सकता है। तो लीचिंग के लिए अपन मिट्टी के ऊपर पॉलिथीन कवर करके अपन आराम से नाइट्रोजन के नुकसान को रोक सकते हैं। पॉलिथीन ऊपर बिछा दो, जिसके कारण क्या है, सनलाइट इतनी ज्यादा नहीं पड़ पाएगी मिट्टी पे, तो उसके कारण नाइट्रोजन नीचे नहीं जाएगा, इसके कारण गाइस नाइट्रोजन का नुकसान रोका जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है गाइस। ठीक है गाइस, तो ये हो गया एफ बाई एम बनाते समय नाइट्रोजन को नुकसान, तो अपना ये कंप्लीट होता है एफ बाई एम, अपना यही कंप्लीट है। अब अगर अगला पढ़ेंगे गाइस गॉट एंड शिफ्ट मैन्यूर क्या होता है। तो गाइस अपन ने पहला पढ़ लिया था मैन्यूर में, मैन्यूर में एफआईएम पढ़ लिया था, पढ़ेंगे गाइस गॉट एंड शिफ्ट मैन्यूर। तो गाइस इसके अंदर मैं बता दूं सर्वाधिक इसका उपयोग राजस्थान में किया जाता है। क्योंकि राजस्थान के अंदर बकरियों की संख्या अधिक पाई जाती है। संख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है गाइस, इसको उपयोग सर्वाधिक राजस्थान के अंदर किया जाता है। राजस्थान के अंदर क्यों किया जाता है? क्योंकि राजस्थान के अंदर बकरियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, इसके कारण गाइस इसको उपयोग राजस्थान में किया जाता है। और गाइस बकरियों से प्राप्त खाद को गोट मैन्यूर बोला जाता है। बकरियों से प्राप्त खाद को गोट मैन्यूर के नाम से जाना जाता है। मैन्यूर के नाम से जाना जाता है। और गाइस मनुष्यों से जो मल प्राप्त होता है, उस वो भी एक खाद है, तो उस खाद को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस मनुष्यों से प्राप्त मल को नाइट सोइल के नाम से जाना जाता है। नाइट सोइल के नाम से जाना जाता है गाइस। नाइट सोइल के मनुष्य से जो प्राप्त मल जो होता है उसको गाइस नाइट सोइल के नाम से जाना जाता है। नाइट सोइल के अंदर गाइस नाइट्रोजन की मात्रा होती है 5%।
नाइट सोल के अंदर गाइस नाइट्रोजन की मात्रा 5% होती है और गाइस गोट मैन्यूर के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है 3%। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। मनुष्य से जो प्राप्त मल है उसको किस नाम से जाना जाता है और बकरियों से जो प्राप्त मल है उसको किस नाम से जाना जाता है। बकरियों से जो प्राप्त है उसमें तो अपने को कुछ करना नहीं है, बकरियों का इंग्लिश नेम अपने को पता होना चाहिए, उससे अपन पता लगा सकते हैं कि गोट मैन्यूर क्या है। बकरियों से प्राप्त मल को गोट मैन्यूर के नाम से जाना जाता है, लेकिन मनुष्य से प्राप्त मल को नाइट सॉइल कहा जाता है। नाइट सॉइल जो कि नाइट सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की 5% मात्रा होती है और बकरियों की उसके अंदर गाइस होती है नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 3%। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। गोट मैन्यूर में नाइट्रोजन की मात्रा 3%, नाइट सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा 5%। तो गाइस गोट मैन्यूर में अपने को इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था जो भी खाद आती है वो सभी किसके आती है, स्थूल खाद, तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होगी इस मेन में। तो गाइस ये चीज ध्यान रखनी है। अगला पढ़ते हैं गाइस पोल्ट्री मैन्यूर। वैसे तो मैंने पोल्ट्री मैन्यूर में सब पॉइंट लिखा दिए, लेकिन एक बार अपन अलग से पढ़ रहे हैं, अब वो बेसिक समझाया था लेकिन यहाँ पे भी अपन उसको लिख ले एक बार। वैसे मैंने सब पॉइंट जो थे पोल्ट्री मैन्यूर के वो पहले बता दिया आपको, लेकिन यहाँ पे भी लिख लेते हैं। अगला आता गाइस तीसरा पोल्ट्री मैन्यूर। पोल्ट्री मैन्यूर, तो गाइस मुर्गियों से जो खाद प्राप्त की जाती है उसे पोल्ट्री मैन्यूर के नाम से जाना जाता है। इसमें पोल्ट्री मैन्यूर में सर्वाधिक न्यूट्रिएंट की मात्रा अधिक होती है और गाइस इसका जो असर रहता है ना मृदा में वो गाइस 2 महीने तक ही रहता है, इसलिए अपन इसको खेतों में बहुत कम यूज करते हैं, FYM का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। तो गाइस मुर्गियों से प्राप्त खाद को पोल्ट्री मैन्यूर, कहा जाता है। और गाइस पोल्ट्री मैन्यूर बनती कैसे, मुर्गियों से प्राप्त खाद को पोल्ट्री मैन्यूर कहा जाता है। अपन एक लगाते हैं आइडिया छोटा सा कि जो भी मल जो होता है मुर्गियों को उससे क्या खाद बनती है, बनती उससे है। लेकिन गाइस इसके अंदर एक चीज बता दूं, मुर्गियों को बैठाने के लिए जो अपन नीचे जिसका उपयोग करते हैं बिछावन, बिछावन को, तो मुर्गियों की बिछावन को बोला जाता है गाइस लिटर, तो लीटर का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं बिछावन। जब वो अपन उसको बदलते रहते हैं, हर 3 दिन में अपन उसकी बदलाई करते हैं, जब वो ज्यादा खराब हो जाती है तो वो एक खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो गाइस मुर्गियों की जो बैठने की जो भी बिछावन है उसको लीटर के नाम से जाना जाता है। लेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है गाइस। और गाइस इसके अंदर सर्वाधिक न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, मृदा में इसका असर दो महीने तक रहता है। तो गाइस मेरे दिमाग में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, मनुष्य के मूत्र में कितने परसेंट यूरिया पाया जाता है। वैसे का ऐसे क्वेश्चन यहाँ का है नहीं है, लेकिन बट ऐसे अभी 2 महीने की सोचती दिमाग में बन गया था, पता नहीं कहां से आया। तो मनुष्य के मूत्र में कितने प्रतिशत यूरिया पाया जाता है, अगर गाइस नहीं पता हो, जैसे पता होगा तो कमेंट करना, अगर नहीं हो तो मनुष्य के मूत्र के अंदर पाया जाता है 1%।
1% यूरिया पाया जाता है मनुष्य के मूत्र के अंदर। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे आ गया था दिमाग के अंदर। तो गाइस आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो भी कॉफी के ऊपर हेड कॉलम होती है, कॉफी के ऊपर आती है हेड कॉलम, खाली स्थान जो आता है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चनों को लिख दिया करो। जो भी क्वेश्चन बनते हैं आएंगे तो मैं यहाँ आपको नोट करा दिया करूंगा, क्योंकि इससे आपको याददाश्त रहेगी कि हाँ यार ये क्वेश्चन अपन ने उस जगह लिख रखा है। तो कॉफी के ऊपर के अंदर जो भी हेड कॉलम होती है, खाली जगह होती है, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चनों को डाल दिया करो गाइस। ठीक है गाइस, तो अपन कहाँ चल रहे थे, पॉटरी मैन्यूल पे। ऐसे ही आ गया था गाइस बीच दिमाग के अंदर, पता नहीं कहाँ से कैसे, लेकिन है जरूर आंसर यही। तो अपन चल रहे थे पॉटरी मैन्यूल। पॉटरी मैन्यूल क्या होती है गाइस, पॉटरी मैन्यूल मुर्गियों से प्राप्त खाद को पॉटरी मैन्यूल कहा जाता है, और मुर्गियों की बिछावन को लिटर के नाम से जाना जाता है, और सर्वाधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं इसके अंदर, और गाइस इसका असर जो मृदा में रहता है वो 2 महीने तक रहता है। ये गाइस इसके अंदर पॉइंट है। गाइस मैं ऐसे ही आपके लिए कुछ मैटर देख रहा था, तो एक चीज मैंने पढ़ी, नोटिस की, जो आदमी मेहनत कर रहे होते हैं ना उनको क्या है, मोटिवेशन होना जरूरी है, खुद मोटिवेटेड रहे वो हमेशा, जो भी कर रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो, जिस 12th की कर रहे हैं, 11th की कर रहे हैं, जेट की कर रहे हैं, आईसीआर कर रहे हैं, जो भी वो तैयारी कर रहे हैं, तो पहले तो अपने वो खुद से खुद को मोटिवेट होना चाहिए। तो हमेशा मोटिवेटेड रहो, जिससे कि पढ़ने में भी मन रखे लगे। तो गाइस ये ऐसे बात था कि जब चोट लग जाती है ना, कोई घाव पड़ जाता है, तो जब वो घाव सही होने पे आता है तो उसके अंदर अपने को खुजली चलती है, जब वो घाव अच्छा होने लगता है तो उसके अंदर खुजली चलती है, तो अपन उससे अपन उसको हटा देते हैं, जो भी उसके ऊपर जो सही होने वाला होता है अपन उसको और दूना घाव बना देते हैं। तो गाइस जब अपन सक्सेस की ओर चलते हैं ना, जब अपन तैयारी कर रहे होते हैं, तो अपने को ऐसा लगता है कि यार अपन क्या कर रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ याद ही नहीं हो रहा। तो गाइस उससे थोड़ा आगे और चलो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो गाइस ये वाक्यांश उसी को मोटिवेटेड करता है कि अपने को जब सही होने पे, अपना जो घाव है वो सही होने पे आता है, तो उसको अपन खुजा के उसको हटा देते हैं, जिसके कारण वो घाव दोबारा से ऐसा ही हो जाता है। तो गाइस अपन जिसकी तैयारी कर रहे हैं ना, तो अपने को ऐसा लगेगा, ऐसा जब लगने लग जाए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कुछ याद ही नहीं हो रहा यार, क्या करूँ, कैसे याद करूँ, तो समझो कि अपने को थोड़ा आगे इसका फल जरूर मिलेगा। तो गाइस ये चीज आपको ध्यान रखना। वैसे आज का अपन ने मोटिवेशन कोड नहीं पढ़ा, वो भी अपन देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोड क्या है। अब रुकी गए तो देख ही लेते हैं। तो आज का मोटिवेशन बहुत शानदार है गाइस, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन कोड है। तो गाइस आज का मोटिवेशन कोड है, शोर मत करो अभी गमों की रात है, शोर मत करो अभी गमों की रात है, धज्जी उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है, धज्जी उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। तो गाइस आज का मोटिवेशन कोड है, हमेशा अपने आप को खुद से मोटिवेटेड रखो। तो गाइस पॉटरी मैन्यूल के अंदर ये आता है। अब गाइस अगला पढ़ते हैं अपन ग्रीन मैन्यूल। अगला आता है गाइस चौथा ग्रीन मैन्यूल। हरी खाद ग्रीन मैन्यूल गाइस हरी खाद के नाम से जाना जाता है। तो गाइस ग्रीन मैन्यूल के अंदर क्या होता है, जो भी अपन फसल बोते हैं ढेंचा हो, इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को अधिक बढ़ाने के लिए हम ऐसी फसलों का उपयोग करते हैं जिसके अंदर पत्तियों की मात्रा अधिक होती है, जैसे ग्वार, ढेंचा, सने आदि फसलों का उपयोग करके खेत के अंदर उनको बोके तथा पुष्पन से पहले उनको एमपी प्लांट द्वारा खेत के अंदर मिक्स किया जाता है, उसे बोलते हैं गाइस हरी खाद, उसे हरी खाद के नाम से जाना जाता है। या फिर अपन ऐसा करते हैं, सुबबूल हुआ, नीम की पत्ती हुई, करंज की पत्ती हुई, इनको लाके अपने खेत में डाल के एमपी प्लाव की सहायता से मिक्स करना हरी खाद कहलाता है। तो हरी खाद से क्या होता है गाइस, कार्बनिक पदार्थ,
न्यूट्रिएंट इनकी मात्रा हाई हो जाती है, जिससे कि फसल को आराम से कार्बनिक पदार्थ न्यूट्रिएंट मिल सके और फसल आराम से सर्वांग हो सके और अच्छी उपज प्राप्त हो। ये होती है गाइस हरी खाद। ये गाइस दो प्रकार की होती है, हरी खाद दो प्रकार की होती है, एक होती है इनसीटू, एक होती है एक्सीटू। इनसीटू क्या होती है गाइस, उसी खेत के अंदर उसी फसल, जैसे ये उसी खेत में उसी फसल को मिक्स करना, वो कहलाता है इनसीटू। एक्सीटू क्या, दूसरे खेतों से ला के दूसरे खेत में मिक्स करना, एक्सीटू कहलाती है। इनसीटू को उदाहरण गाइस सनई, डेंचा, ग्वार, एक्सीटू के नीम, सुबबूल और करंज। तो गाइस हरी खाद पढ़ते हैं, खेत में पत्तीदार फसलों को बोकर तथा पत्तियों को खेत में एमबी प्लाव सहायता से मिलाने की क्रिया हरी खाद कहा जाता है। ठीक है गाइस, हरी खाद किसे कहा जाता है, खेत में हरी पत्तीदार फसलों को बोकर जिनमें पत्तियां अधिक होती है, सने, डेंचा, ग्वार, इनके अंदर गाइस पत्तियां होती है, यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है, तो गाइस पहली होती है इनसीटू और गाइस दूसरी होती है एक्सीटू। इनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिख लेते हैं। उसी खेत में उगाकर मिलाने की क्रिया ठीक है, और इसमें क्या दूसरे क्षेत्र से लाकर दूसरे खेत में मिलाने के लिए। गाइस समझ तो रहे होंगे आप सभी, इसके अंदर गाइस एग्जांपल आते हैं सनई, ढेंचा और ग्वार, इसके अंदर आते हैं गाइस नीम की पत्तियां, सुबबूल और गाइस करंज की पत्तियां। अब गाइस नीम की पत्ती सुबबूल में बार बार बोल रहा हूं, सुबबूल एक होता बबूल, एक होता सुबबूल। बबूल क्या होता है गाइस, जो देसी बबूल है ना वो है गाइस सुबबूल। देखा होगा आपने एक झाड़ी नुमा उगता है, वो नीचे से झाड़ी नुमा उगता है, उसे बोलते हैं गाइस सुबबूल, जिसे अपन ग्रामीण भाषा में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, लेकिन हमारे वहां उसे किरकिरी बबूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस, किरकिरी बबूल। तो वो होता है गाइस सुबबूल, उनकी पत्तियों को खेत में मिक्स करना एनसीटू के एक्सीटू के अंदर आता है। तो गाइस ये इसके एग्जांपल है। तो गाइस आज अपन ने क्या पढ़ा था, आज अपन ने पढ़ा था गाइस मैन्यूर के बारे में अपने पूरा पढ़ लिया गाइस, मैन्यूर क्या होती है, मैन्यूर कौन कौन से। तो गाइस मैन्यूर के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, कल अपन कंपोस्ट कंप्लीट करेंगे, कंपोस्ट क्या है देखते हैं, फर्टिलाइजर भी हो जाए। तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, क्योंकि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करोगे तो ही फिर हम जिनको ये शिक्षा पहुंचनी चाहिए
उन तक पहुंचा पाएंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए उन तक जरूर पहुंचाएं। और गाइस आपका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो जिससे पता नहीं लग रहा, हम 8 तारीख से जेट आईसीआर के बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई बंदा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो ऑफलाइन भी अपन क्लासेस 8 तारीख को स्टार्ट करेंगे। ऑफलाइन पढ़ने के लिए वो अजमेर के अंदर आ सकता है, अजमेर अपनी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है 8 तारीख से। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी छात्र इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, तो वो अजमेर आ सकते हैं। अजमेर अपन 8 तारीख से ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको आना है वो आ सकते हैं, वेलकम, उनका स्वागत है। ठीक है गाइस, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।